मैं मीडिया सेल में बैठा हुआ हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा भी लगा। तो आइए हम मीडिया कोऑर्डिनेटर मिस्टर गाजी अली से बात करते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ लवली वेलकम, और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आपने बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसका सारा क्रेडिट आपकी पूरी टीम को जाता है। और आप लोग को ये आइडिया कैसे आया? और क्योंकि वाकई गर्मी भी बहुत है कराची में और बहुत मीडिया भी आ रहा है, बिकॉज आजकल तो मेन टॉपिक ही बकरा मंडी है। तो आपको ये आइडिया कैसा है और आपने बहुत ही खूबसूरत बनाया है? सर बस ये आप लोगों की उससे काविश से तैयार किया गया है सर। बाकी जो है यहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं, जैसे आपके जैसे हमारे पास भाई आते हैं, सब यहाँ पे बैठते हैं सर, सब एक जैसे हमारे साथ इज्जत के लायक हैं। बाकी जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे मंडी हमने लगाई है, मंडी लगी है 700 एकड़ पे। इसमें कम से कम हमने जानवर रखे हैं, अभी तक के जो जानवर की अपडेट है वो 7.5 लाख जानवर आ चुके हैं, और क्या कहते हैं 2.5 लाख से ज़ायद जानवर सेल हो चुके हैं। बाकी 700 एकड़ पे ये जगह की मंडी लगाई गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पे 13 ब्लॉक्स हैं, 13 में से 2 VIP हैं और 11 जनरल ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को भी कहूँगा सर दिखाएँ आपका मीडिया सेल अंदर से, बहुत ही खूबसूरत है, वेरी कंफर्टेबल, एयर कंडीशनड है, और गाजी सर ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है। और बड़ी अच्छी बात लगी क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स लोग बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, बिकॉज मेन टॉपिक यही है। तो ये आइडिया आया कैसे और किसने इसको स्टार्ट किया? सर ये हमारे सर होते हैं यावर रजा चावला साहब, ये बॉस ने सारी जो है इसमें बॉस की ही वो है क्या कहते हैं, ताकि जो सारे मीडिया आता है, मीडिया आने के बाद बैठे हमारे साथ चाय पिए, खाना खाए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए हमारे साथ। बाकी ये है कि सुकून से किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं हो, आप यहाँ पर आएँ फ्रेश हों, फिर उसके बाद आप मंडी जाएँ, किसी चीज़ की आपको कोई टेंशन नहीं हो, कोई आपको रोके ना मंडी में, इसलिए हमने ये जो है मीडिया सेल का इंतखाब किया है। मुझे एक सवाल पूछना था, आजकल बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, कुछ लूट मार की बातें भी सुनी गई हैं, लेकिन आपको पता है सुनी सुनाई बातों पर हम तो यकीन बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद आए हुए हैं यहाँ पर और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप मुझे ज़रा, आप यहाँ पर माशाल्लाह पूरा टेक केयर कर रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ भी आप एफिलिएटेड हैं, तो आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? सर मुझे तो यहाँ पे कोई आते हुए 30 डेज़ हो चुके हैं। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से आप भी आए हैं यहाँ पे, और आपको सिक्योरिटी दिखी होगी बिल्कुल ऐसी, क्योंकि 8 जो हैं वो मोबाइल्स पेट्रोल के, उसकी पुलिस के मोबाइल्स हैं, 3 जो हैं वो रेंजर्स के मोबाइल्स हैं, और बाकी जो पुलिस और SSU के कमांडो हैं वो अलग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी कोई भी मशकूक बंदा दिखता है वो रोक के उनकी स्नैप चेकिंग करते हैं, और उसके बाद अगर वो कसूरवार होते हैं तो फिर उनको लेके जाके उनकी तश्वीश करते हैं, वरना तो जो है फिर उनको छोड़ देते हैं। नहीं तो बहुत ज़बरदस्त, और ये बात तो मैं खुद भी कहूँगा कि मैं खुद आया हूँ यहाँ पर और जगहों पर पेट्रोलिंग करते हुए लोग दिखे होंगे, रेंजर्स की नफरी दिखी होगी, पुलिस की नफरी दिखी होगी। मेन जो बकरा मंडी लगती है वो तो सोराब गोट पे लगती है, अब उसको शिफ्ट करके नॉर्दर्न बाईपास पे कर दिया जो कि काफ़ी दूर है, लोगों के लिए आपको दुश्वारी भी है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो आपको क्या आपको इसमें पता चला है, लोगों ने किस तरह से आपको बताया है, या आपने किस तरह से देखा है कि लोगों को क्या क्या मुश्किलात दरकार हो रही हैं? सर मुश्किलात तो किसी को दरकार नहीं हो रही, जिसको जानवर लेने आना था वो जानवर लेने आता है। अब वहाँ पे ऐसा था कि 80% जो लोग थे वो शुगल मेले वाले थे और 20% जो थे वो क्या कहते हैं परचेजिंग करने वाले थे। अभी यहाँ पे ये है कि लोग आते हैं ना तो सिर्फ परचेजिंग करने आते हैं, यहाँ पे घूमने ज़्यादा नहीं आ रहे। बाकी फेस्टिवल है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, और क्या कहते हैं जो वहाँ पे इस वजह से इधर शिफ्ट करी गई है मंडी, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई हैं। अब सोसाइटीज़ को इतना इशू हो जाता है कि गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो 40 डेज़ है ना वो उनको अजाब बन जाते हैं उनके लिए, कि सर हमारे घर के आगे हॉर्न बज रहा है, 4 बज रहे हैं तो हमारे घर के आगे शोर हो रहा है, फजर की नमाज़ हो रही है तो हमारे घर के आगे, तो इस वजह से जो है इसको यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी ये उस जगह से ज़्यादा अच्छी जगह है, उधर रोड्स नहीं थे, इधर रोड्स बने हुए प्रॉपर तरीके के, आपने देखा होगा रोड्स बने हुए 40 फिट्स का एक रोड है। अच्छा मैंने एक और चीज़ बड़ी चीज़ देखी, आपने मोबाइल ATM लगाए हुए हैं, दैट इज़ लवली, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। ये इस वजह से लगाए गए हैं कि शुरू में जो प्रोपोगंडा चला था कि क्या कहते हैं यहाँ पे पैसे नहीं लेके जाओ और यहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, इसी वजह से जो हमने यहाँ पे 2-3 तरीके के बैंकों के जो है वो लगवा दिए ATM मशीन है, आप
कैश इधर से कैरी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप घर से ही कैश लेकर आए, आप यहाँ से भी कैश कैरी कर सकते हैं। आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए? सर बस लोगों से यही गुजारिश है कि जो है क्या कहते हैं मंडी आए। मंडी एक तरीके से फेस्टिवल है, एक तरीके से पाकिस्तानियों के लिए जो है वो फेस्टिवल है, कराची वालों के लिए। मैं मेरे हिसाब से तो लोगों को डेली आना चाहिए यहाँ पे, और जानवर परचेज भी करना चाहिए और थोड़ा सा तफरी वगैरह भी करना चाहिए यहाँ पे लोगों को आके। तो गाजी अली, आपका हमारे होम एच डी चैनल के लिए क्या पैगाम है? सर सबसे पहले तो मैं होम एच डी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास आए, और जिस तरीके से सब इज्जत के लायक हैं सर, आप भी हमारे सर आँखों पर। बाकी जो है मैं भी चैनल ये देखता हूँ तो हर चीज़ माशाल्लाह से अच्छी दिखाई जाती है इस पर, हर चीज़ जो है एक तरीके से तफरी वाला भी होता है, हंसी मजाक हर चीज़ होता है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ होम एच डी चैनल वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें, मुझे तो खुद बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो चाहूँगा यहाँ पे तकरीबन रोज़ आना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक आई एम फीलिंग वेरी सेफ एंड कम्फर्टेबल, ये दोनों चीज़ें हम सब के लिए ज़रूरी होती है जो भी यहाँ पर आए, क्योंकि आजकल हॉट टॉपिक यही है। ज़ाहिर है बकरीद अब सर पर आ गई है, लोग अपनी गाय बकरी भी ले रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ये भी एक आपकी सुन्नतों में से कह लें या आपकी एक